Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन की चर्चा तो हर तरफ है, लेकिन पहली बार आज तक आपके सामने लेकर आया है पहलवानों की तरफ से दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज FIR का ब्यौरा। इस ब्यौरे में खुलासा होता है कि पहलवानों ने बृजभूषण पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। पहलवानों ने दो शिकायतें कनॉट प्लेस थाने और 21 अप्रैल को दी थी। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 FIR दर्ज की। बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR में यौन शोषण और छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत दर्ज है। तो किन किन घटनाओं का जिक्र इस FIR में किया गया है, ये आपको दिखा देते हैं। पूरे FIR का ब्यौरा आज तक के पास है। इस ब्यौरे में क्या कुछ शिकायतें लिखी हुई हैं, ये एक एक करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गलत तरीके से छूना, ये FIR की डिटेल में लिखा हुआ है। आज तक के पास FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। इसके साथ ही बहाने से सीने पर हाथ रखने की कोशिश करना, ये भी शिकायत के तौर पर दर्ज कराया गया है। बहाने से शरीर पर हाथ फेरना, यह भी यौन शोषण के तहत शिकायत में लिखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 2 FIR दर्ज हुए हैं उनमें पीछा करना, यह भी एक शिकायत के तौर पर दर्ज किया गया है। तो एक्सक्लूसिव कॉपी जो FIR की है वो आज तक के पास है, और इसके हवाले से ये तमाम शिकायतें डिटेल में हम आपको दिखा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज है, जिसमें लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या फिर आपराधिक बल प्रयोग करना ये शामिल है। यानी कि ये संगीन धारा इन पर लगाई गई है। धारा 354A जिसमें यौन उत्पीड़न की धारा लगी हुई है, इसके साथ ही उन पर पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज है जो कि नॉन बेलेबल। धारा 354D यानी कि पीछा करना, ये तमाम धाराओं के तहत ये शिकायतें दर्ज है। बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिनियम की धारा 10 जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की से छेड़छाड़ करना, यौन उत्पीड़न करना पॉक्सो के तहत आता है। तो 2 FIR दर्ज की गई हैं कनॉट प्लेस में। पहलवानों ने जो शिकायत दर्ज कराई है और लंबा आंदोलन जो खिंचता चला रहा है, उसमें 10 मामलों की शिकायतें हैं। एक एक करके हमने आपको वो शिकायतें दिखाई हैं। शिकायत 21 अप्रैल को की गई थी, लेकिन FIR 28 अप्रैल को दर्ज की गई जब पुलिस पर दबाव बढ़ा। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, हिमांशु भी साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये तो तमाम शिकायतें एक एक करके हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल इसमें एक धारा जिसका खास तौर पर मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी, वो है पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करना, जिसमें ये कहा गया कि जिस महिला या फिर जिस लड़की ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया या फिर अपनी शिकायत करी, वो दरअसल बालिग है और उसके रिश्तेदारों ने इस बात की पुष्टि की है। यानी कि पॉक्सो तो अप्लाई होता ही नहीं है। देखिए, अभी जो है पुलिस जो कंटेंट जो FIR के लिए जो कंप्लेन दी गई थी, जो 21 अप्रैल को यही दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में आकर के शिकायतें दी थी, जो 7 महिला कंप्लेनेंट ने, जब उनको पुलिस ने स्क्रूटनाइज किया तो 6 उसमें से बालिग थी, 1 नाबालिग थी। क्योंकि कंप्लेन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, पुलिस ने उसी आधार पर 28 अप्रैल को यहीं पर 2 FIR दर्ज की, और जो कंटेंट था कंप्लेन का उसको FIR में तब्दील कर दिया, और इसमें जो पॉक्सो की FIR थी वो अलग दर्ज की गई, और बाकी 6 जो थी उनकी अलग FIR दर्ज की गई, जिसमें 354D 354A/34 लगाया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पॉक्सो के लिए जब तरह तरह की जो जो नाबालिग बताया गया उसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट और अलग अलग जो जानकारी है वो पुलिस को मिली, लेकिन पुलिस अभी भी जो शुरुआती कंप्लेन थी उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने अभी ऑफिशियली इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहा। देखिए, इस मामले में पहले जो पहलवान है, जो कंप्लेनेंट है, वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट FIR के लिए। वहां पर उसको पुलिस ने पहले ही कह दिया 28 अप्रैल की बात है कि हम 2 FIR दर्ज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये लोअर कोर्ट पहुंचते हैं जहां पर इस पूरे मामले में अभी बहस चल रही है। अगली जो स्टेटस रिपोर्ट है पुलिस ने जब दिया था तो उससे ये एक चीज क्लियर हो गई थी कि पुलिस ने कई लोग जो अलग अलग 7 कंप्लेन है
उसमें अलग अलग घटनाओं का जिक्र है। मैं लौटूंगी आपके पास, हिमांशु नितिन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, ये कई बार मुश्किल हो जाता है कि जिस पीड़िता की शिकायत है वो दरअसल आगे आकर सामने आकर अपना पक्ष रखे, क्योंकि इसमें गोपनीयता बरतनी होती है, लेकिन यहां पर दरअसल मामला कुछ और है। दिल्ली पुलिस ये कहती है कि जो हमने एफआईआर में लिखा है उसमें से कई ऐसे आरोप हैं जो सिद्ध नहीं होते, साबित नहीं होते, ये मालूम नहीं कि उनकी तफ्तीश कहां तक पहुंची, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्वीट जरूर किया जाता है और उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है, इसके पीछे क्या मामला है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो दो कंप्लेंट्स जो है दी गई थी उसी के आधार पर उसको कन्वर्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर में, और इस दोनों ही एफआईआर में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एक्चुअली नरेट किया हुआ है वर्ड टू वर्ड कि क्या कुछ हुआ था। सारे जो सात कंप्लेनेंट्स थे जो विमेन रेसलर्स थी, उन्होंने लिखित में दिल्ली पुलिस को ये कंप्लेंट दी थी जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि ऐसे दो इंस्टेंसेस है जहां पर सेक्सुअल फेवर्स की बात की गई थी ताकि उनको प्रोफेशनल असिस्टेंस मिल सके। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसमें 15 ऐसे इंसिडेंट है जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कही गई है और 10 ऐसे एपिसोड है जहां पर इनअप्रोप्रिएट टचिंग की बात की गई है। माइनर की अगर बात की जाएगी तो माइनर ने भी अपनी कंप्लेंट में साफ तौर पर यह बोला है कि मुझे पिक्चर खींचने के बहाने अपने बहुत नजदीक लेकर आया गया और मुझे जो है सहज महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि इस मामले पर दिल्ली पुलिस के जो सोर्स है उन्होंने ये जरूर कहा था कि अभी विवेचना चल रही है और अगले 15 दिन में हम विवेचना पूरी करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या हमारे पास रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है या फिर अगर हमें साक्ष्य मिल जाता है कुछ जो कि अभी फिलहाल नहीं मिला है उस आधार पर हम जो है चार्जशीट जो है वो फाइल करेंगे। हालांकि उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ट्वीट जरूर आया था जिसमें ये कहा गया था कि अभी तक विवेचना चल रही है और जो खबरें चल रही हैं शायद वैसा कुछ नहीं है। हालांकि सोर्सेस अभी भी ये कह रहे हैं कि विवेचना जो है वो चल रही है, 15 दिन के बाद जो है दोनों ऑप्शन है, या तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और अगर साक्ष्य मिल गए तो चार्जशीट दाखिल होगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।